हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आकर्ष व्लॉग्स। आज के इस व्लॉग में मैं आपको लेकर जाने वाली हूँ दिल्ली के एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट अल जवाहर में। ये रेस्टोरेंट यहाँ पे 1947 से है और जामा मस्जिद के पास होने की वजह से यहाँ टूरिस्ट का आना जाना लगा रहता है, भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा होती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं आज आप सभी के साथ अल जवाहर रेस्टोरेंट को और देखते हैं वहाँ क्या था हमें ऑफर करने को। और वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक करें। तो फिलहाल हम घर से निकल चुके थे और बढ़ चुके थे हम सरिता विहार मेट्रो की तरफ। मैं बता दूं अल जवाहर रेस्टोरेंट जाने के लिए ना, यानी कि जामा मस्जिद जाने के लिए हम लोगों ने पहले हमने चांदनी चौक हम गए और फिर वहाँ से हमने एक रिक्शा ले लिया था जो कि सीधे जामा मस्जिद लेके जाता है। थोड़ा कॉस्टली है रिक्शा वगैरह वहाँ पे, लेकिन आप बहुत भीड़ रहती है, आप इतना ज़्यादा वहाँ पे जो है ना सदर बाज़ार होते हुए अगर आप जाते हो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है। तो हमने सोचा कि चलो एक रिक्शा ले लेते हैं एंड हमने चांदनी चौक से एक रिक्शा लिया जो हमें सीधे अल जवाहर रेस्टोरेंट लेकर गया था। फिलहाल जैसे ही हम सरिता विहार मेट्रो पहुँचे थे ना, ये एक कचौड़ी वाला यहाँ दिख गया और आप देख लो कि इसने सिर्फ यहाँ पर ना दिल्ली की कचौड़ी चाट ऐसी ही बनती है, लाइक यहाँ पर कुछ पापड़ी जो है उसे कर और फिर छोले मिला देते हैं और साथ में कुछ मसाले ऐड करने के बाद ऊपर से प्याज छिड़क देते हैं और साथ में मिर्ची डाल देते हैं। तो बस फिर क्या था, हमने इन्जॉय कर लिया। ऐसे भी ना लड़कियों को चटपटी चीज़ें बहुत पसंद आती है। वैसे आपको बता दूँ ये जो चाट है इसमें छोले के अलावा आलू वगैरह भी था और काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी बना हुआ था, लाइक जितना सिंपल ये दिख रहा है ना ये उतना सिंपल था नहीं, काफ़ी स्पाइसी था। फिलहाल हम पहुंच चुके थे सरिता विहार मेट्रो और यहाँ से हमने मेट्रो ले लिया था सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की तरफ। तो ये आ चुके हैं हम सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और यहाँ से हमें लाइन चेंज करनी है और लाइन चेंज करके फिर हमें जाना था चांदनी चौक। वैसे अगर आप मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हैं एंड अगर आपको ट्रैवल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो गूगल में आप रूट्स चेक कर सकते हो या फिर वहाँ पर ना काफ़ी सारे इंडिकेशंस रहते हैं, उनको फॉलो करके आप जा सकते हो। जैसे कि आप इधर देख लो, इधर भी बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो, अदरवाइज़ आपके पास अगर फ़ोन है तो आप बिल्कुल आराम से गूगल से आप जो है ना आप रूट्स वेरीफाई कर सकते हो ताकि आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल हमारा मेट्रो आ चुका था तो चलिए चलते हैं चांदनी चौक। तो बस अब हम चांदनी चौक पहुंच चुके हैं और यहाँ से हम लोग एग्ज़िट करके रिक्शा ले लेंगे जामा मस्जिद की तरफ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और एक रिक्शा ले लेते हैं जामा मस्जिद के लिए। और अब जो ये नज़ारा है ना, ये बहुत ही खूबसूरत से जामा मस्जिद का नज़ारा है। मैंने सोचा था कि आपके लिए एक बढ़िया सा फुटेज बनाऊंगी, लेकिन यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि फुटेज तो छोड़िए, यहाँ पे खड़े रह पाना बहुत मुश्किल हो चुका था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और जामा मस्जिद के ठीक बाहर जो है ना वो मीना बाज़ार लगता है, तो मीना बाज़ार की वजह से भी बहुत ज़्यादा क्राउड हो रखा था। फिलहाल लेकिन ये जो मस्जिद है ना, ये बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है और फोटो में मैं आपको क्या दिखाऊं, वीडियो या फोटो में आप जब सामने से देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि इसकी खूबसूरती कितनी ज़्यादा है और बहुत ही प्यारा सा मस्जिद है ये। फिलहाल ये जो नज़ारा आपको दिख रहा है ना, ये पूरा मीना बाज़ार का नज़ारा है, तो आप सोच ही लो यहाँ पर चलना कितना मुश्किल हो चुका था क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि यहाँ पर ढंग से चल पाना बहुत मुश्किल हो चुका था हमारे लिए। बट एनीवेज, अगर आपको अल जवाहर रेस्टोरेंट आना है ना तो आपको इस मीना बाज़ार की जो भीड़ है ना उसका सामना तो करना पड़ेगा और उसके बाद आपको दिखेगा अल जवाहर रेस्टोरेंट। तो इतनी भीड़ का सामना करने के बाद फाइनली हमें मिल गया अल जवाहर रेस्टोरेंट
और जब हम अंदर घुसे ना तो काफ़ी लंबी सी लाइन लगी हुई थी। तो हमने बोला कि कोई नहीं, आज दिन ही कुछ ऐसा है कि भीड़ भाड़ का जो है ना वो सामना करना पड़ रहा है बार बार, तो फिलहाल हम भी इस कतार में खड़े हो गए। और आप देख लो इसके ठीक बाहर ना यहाँ पे ये भैया बैठते हैं जो कि निहारी वगैरह जो है ना, निहारी एंड कोरमा वगैरह वो उधर सर्व होता है। एंड इस तरफ जो ये है ये पूरा नान और तंदूरी रोटी का काउंटर है, ये एकदम बाहरी तरफ है। और जब आप अंदर जाओगे ना तो सिटिंग अरेंजमेंट है, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप अगर नीचे बैठना चाहते हैं तो आप नीचे बैठें, या फिर अगर आप ऊपर बैठना चाहते हैं तो ऊपर की तरफ भी सिटिंग अरेंजमेंट है। फिलहाल हमारा खाना यहाँ पे आ चुका था और सबसे पहले ग्रीन सैलड के बाद ना इन्होंने बिरयानी सर्व कर दिया था, साथ में हमने मंगाया था चिकन निहारी और ये रहा रुमाली रोटी। तो ये सारी चीज़ें आ गई थी एंड इसके साथ साथ हमने सीख कबाब भी ऑर्डर किया था जो मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल आप बिरयानी देख लो, यहाँ पे बिरयानी के जो राइस है बहुत ही खिली खिली सी बनी थी, बट ये जो टेस्ट था ना ये टिपिकली दिल्ली वाले बिरयानी का टेस्ट था। मतलब अगर आप कोलकाता दम बिरयानी या लखनवी बिरयानी के उस तरह का अगर आप कुछ खाना चाहते हैं ना तो ऑफकोर्स वो टेस्ट आपको यहाँ नहीं मिलेगा। ये टिपिकली दिल्ली स्टाइल बिरयानी थी और यहाँ पर गर्मा गर्म सीख कबाब लग चुका है। तो बस फिर हमने अपना कबाब इन्जॉय करा, साथ में बिरयानी इन्जॉय करा और कबाब्स बहुत ही सॉफ्ट बने थे और मतलब एक बार हल्का सा ब्रेक करने में ये टूट जा रहे थे एंड बहुत ही फ्रेशली मेड कबाब थे। फिलहाल हमने ये हमारा जो लंच था ये हमने इन्जॉय करा। अल जवाहर का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा रहा। उसके बाद जो हमने ये जो रुमाली रोटी और कोरमा जो है ना हमने वो भी इन्जॉय किया। तो बस ये था हमारा अल जवाहर रेस्टोरेंट का एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड अगर ये जो रेस्टोरेंट है ये ढूंढने में आपको कुछ परेशानी हो ना तो ये रहा जामा मस्जिद का गेट नंबर 1, गेट नंबर 1 के ठीक ऑपोजिट ही आपको ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा।